नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं? बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है तो पूरा देश कहाँ से संभाल पाएंगे? बिहार नहीं संभाल रहा है, यानी बिहार में डंका बजवा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर। भ्रष्टाचार, बस भ्रष्टाचार के अलावा और बिहार में कुछ नहीं। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी, वो तो और नहीं है, वो तो और खत्म इंसान है। नरेंद्र मोदी और खत्म इंसान है, क्यों? बहुत महिला के लिए बहुत ना रोजगार दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, ना कोई काम है। और क्या चाहिए नीतीश कुमार जी से? क्या चाहिए? रोड नहीं है, गली में नाला नहीं है। रोड नाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये तो डंका पीट रहे कि भैया सब कुछ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। पालतू चाचा को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। कौन बढ़िया पीएम है? पीएम मोदी जी बढ़िया। और मोदी ही रहेंगे, उनसे अच्छा कोई नहीं। मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? 100 डॉग को क्या घेर पाएगा? जी हाँ, कौन है बाघ? नरेंद्र मोदी है। कुत्ता कौन? दारू ऑफिशियली बंद है, बट जैसे पहले लोग आते थे सड़क पर घूम के पी के नौटंकी कर रहे, वैसे नहीं अभी करते हैं। अभी जो है एक तरह से है कि दारू का राजस्व किसको मिल रहा है? दारू का राजस्व मिल रहा है अल्टीमेटली, अब वो तो ऑफिशियली किसी को नहीं मिल रहा है, बट अब इंटरनली क्या हो रहा है वो तो आप और हम जानते हैं अच्छी तरह से। नीतीश कुमार कोई नहीं चिन्हे, नहीं चिंता है। अरे बिहार के मुख्यमंत्री है भाई, बट मुख्यमंत्री ना अलोन नहीं है। क्या है वो? कुछ नहीं खाने जाके। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कोई नहीं क्या अभी? नमस्कार, मेरा नाम सुवन कृष्णा है। देखिए, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विपक्षी एकता को जो है जोर देने में लगे हुए, विपक्षी एकता का लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्हें संयोजक भी बनाया गया है। हम बिहार में खड़े हैं, बिहार के पटना में खड़े हैं, पटना बिहार की राजधानी है, पटना के लोगों से जानते हैं, बिहार के लोगों से जानते हैं कि भैया नीतीश कुमार जी ने इन 18 वर्षों में क्या कुछ काम किया है, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, आइए बिहार के ही लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये लोग पान खाए हुए हैं बेचारे। आइए, नीतीश कुमार जी बराबर ढोल पीटते रहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ अच्छा किया है? अच्छा तो किया। क्या क्या अच्छा किया है? बहुत ना याद नहीं है। अच्छा, महिलाओं के लिए अच्छा किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री बनने लायक है नीतीश कुमार? नहीं नहीं, नीतीश कुमार नहीं बनने लायक नहीं है। नहीं है। और नरेंद्र मोदी? वो तो और नहीं है, है? वो तो और खत्म इंसान है। नरेंद्र मोदी और खत्म इंसान है, क्यों? बहुत महिला के लिए बहुत ना रोजगार दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, ना कोई काम है, सिर्फ अपने ही मतलब अपने के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं देश के लिए इतना कुछ बढ़िया कर रहे हैं। अरे किए देश के लिए तो फिर वो अपना अथी करने के लिए भी तो कर रहे हैं। यही एक सिलेंडर दे के हम लोग को ही किया। हाँ। चावल फ्री में दे रहा है। हाँ। अभी दे रहे फ्री में, पहले तो नहीं था फ्री। हाँ। सिलेंडर दिए हैं। हाँ। और तो कुछ नहीं सब किए अभी। और क्या चाहिए आपको मोदी जी से? बस बाकी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते भाई। अच्छा, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है ये तो बताइए। ये नहीं बता सकते हम लोग, यहाँ के नहीं बाहर के हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के लिए पूछ रहे, देश से बाहर के हैं क्या? नहीं बोल पाएंगे। देश से बाहर के कि हिंदुस्तान के, ये तो बताइए। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के तो प्रधानमंत्री कौन अच्छा होना चाहिए ये तो पता होगा। और किसी से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक भैया खड़े आ रहे, इधर इधर। सर सर, अरे नाम, आपका नाम? नाम मेरा राकेश दास है। घर? घर है सीतामढ़ी। अच्छा, बिहार के नागरिक है। नीतीश कुमार जी को जानते हैं? जानते तो है। क्या जानते हैं? नीतीश कुमार है नेता में। कैसे नेता है? अब जैसा नेता हो। हाँ। प्रधानमंत्री बनने लायक है नीतीश कुमार? अब जो बने ना बने हो तो वही ना समझेगा। बनने लायक है कि नहीं ये तो बताइए। बनेगा क्या, किया क्या है जो बनेगा? अरे बिहार के लिए इतना कुछ किया है। घंटा किया है? नहीं किया है कुछ। कुछ नहीं किया है, बिहार को क्या किया कर दिया है। हाँ। साला जितना पैसा मिला उतना पैसा लेकर साला खा गया है। हाँ। मिला क्या है? हाँ। कुछ भी नहीं मिला। अरे पुल पुलिया बनवा दिए, शिक्षा दिए, स्वास्थ्य दिए, रोड वोड कुछ नहीं बना है? कुछ नहीं बना है भाई। हाँ, बिजली उजली पहुंचा है कि नहीं गांव में? बिजली उजली तो भाई घरे घर दे दिया है। हाँ। और क्या चाहिए नीतीश कुमार जी से? क्या चाहिए? रोड नहीं है, गली में नाला नहीं है। रोड नाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये तो डंका पीट रहे कि भैया सब कुछ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। हाँ। क्या क्या चाहिए, क्या कुछ मांग करते हैं नीतीश कुमार से, क्या चाहिए आप? क्या चाहिए? वो चाहिए तो बहुत कुछ, मगर देता है तो कुछ भी नहीं। जैसे 5 चीज गिना दीजिए जो आपको सरकार से चाहिए। क्या चाहिए? रोड चाहिए, नाला चाहिए। हाँ। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। जनता होना चाहिए ना, शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए ना। शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं है? शिक्षा स्वास्थ्य सब पे होना चाहिए। अरे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर साहब है। कुछ नहीं है शिक्षा। आज सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए आप। हाँ। आपको
पुर्जा पहले कटाएगा तब जाके लाइन कितना लंबा लंबा लगता है, पैर भी लगाना पड़ता है इलाज के लिए। कहाँ स्वास्थ्य कहाँ है, शिक्षा भी तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री है, घंटा है कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं? बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है तो पूरा देश कहाँ से संभाल पाएंगे? बिहार नहीं संभाल रहा है, कह रहे बिहार में डंका बजवा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, बस भ्रष्टाचार के अलावा और बिहार में कुछ नहीं। भ्रष्टाचार हुआ है बिल्कुल है। एक छोटा सा कांस्टेबल भी है तो चालान काट देता है ऐसे ही फालतू में, गरीब आदमी को। कांस्टेबल कैसे चालान काट सकता है? काटता है, लोग देता भी है, 150-500 दे देता है किलो चालान। मत ऐसे चलता बिहार और क्या, भ्रष्टाचार ही तो है। नीतीश कुमार कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाए हैं, नहीं है। भ्रष्टाचार अगर हट जाएगा ना तो बिहार एक नंबर पॉइंट पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहारे में है। छोटा से छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, सब घुसखोर है। का लेवल लग गया, घुसखोरी चालू हो गया, घुसखोरी चालू हो गया, बस लेवल खाली लगना चाहिए। अच्छा, बस नीतीश कुमार को ये सब नहीं पता है? सब पता होगा भाई, उन्हीं लोग के तो छत्र छाया में लोग कर रहे काम, शुरू से 0 पॉइंट से लेकर ऊपर तक जाता है पैसा सब, सबके पास पहुंचता। अगर नहीं होते तो भ्रष्टाचार होता नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, मोदी से अच्छा नीति, अरे इधर आइए इधर आइए, भागने लगते हैं। अच्छा अरे आप तो रुकिए, नहीं ना उनको उनको रुक जाइए। क्या नाम है? विपिन कुमार। अच्छा बिहार के हैं? हाँ बिहार के। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अगर होंगे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं? कहीं नहीं करेंगे। कहीं नहीं करेंगे? क्यों ऐसे ऐसे? अरे इतना अच्छा नेता, मेरा इच्छा क्यों, मतलब कुछ रीजन तो होगा भैया बिहार के। पालतू चाचा को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। कौन बढ़िया पीएम है? पीएम मोदी जी बढ़िया, और कौन रहेगा? मोदी ही रहेंगे। हाँ? उनसे अच्छा कोई नहीं? नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं क्या? जी नहीं, नहीं हरा सकते। जी नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र हित में सब कुछ काम कर रहे हैं। हाँ? जी लोग कह रहे हैं कि नीतीश नरेंद्र मोदी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या क्या किए हैं? सीमा पर काम कर रहे हैं। हाँ? बार बार चीन चाइना वाला हेल्प था। हाँ? उसमें देखिए कि गरीबों का मुफ्त राशन दे रहे हैं। हाँ? और सब कुछ दे ही रहे हैं। और क्या क्या दे रहे हैं, 5 काम तो गिना दीजिए। जैसे बहुत सा है, जैसे जो सुकन्या योजना हुआ, और जो जरूरतमंद लोग पहुंचा रहे हैं सब कुछ। जी तो पहले की भी सरकार करती थी। जी ना, पहले के लूट खसोट करता था। हाँ। आज भी वही रहा है। तो नीतीश कुमार खड़े होते तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? जी आप नहीं, पहले ठीक थे, आप बदल गए हैं। हाँ, हाँ। कैसे बदल गए? बदल गए हैं, भ्रष्टाचार देखे डेग है। हाँ। अब देखिए कि प्राथमिक शिक्षक में जाइए, पंचायत शिक्षक में जो बहाली लिए हैं, अटका पहाड़ा भी नहीं आता है, बहाली है, सब स्वेटर बिनता है, बस यही तो है। सब शिक्षक स्वेटर बिनते हैं? जी हर तार का। साधारण मजदूरी करते हैं, जो भी सोचते हैं कि प्राइवेट में 150 दे के हम पढ़ाए, लेकिन हर जगह खाली ऐसे ही है। कोई देखिए ना, प्राथमिक स्कूल में एक लड़के नहीं मिलेगा आपको, 10-20 मिलेगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखिए। अच्छा। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार महागठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। क्यों नहीं? बिहार के लोग है, बिहार के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सपोर्ट करते? 100 डॉग को क्या घेर पाएगा। जी हाँ, कौन है बाघ? नरेंद्र मोदी है। कुत्ता कौन? कुत्ता के बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जैसे कि झूठा वादा करके जनता करके लुभाते हैं, कुत्ता की नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे वादा झूठा करके प्रलोभन दे के जनता को बरगलाते हैं, ये लोग प्रलोभन दे रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? अनिल कुमार नाम हुआ सर। अच्छा क्या लगता है, नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं क्या? नहीं, हरा तो नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा कैसे प्रधानमंत्री, अगर वो खड़े होते तो आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं नीतीश कुमार? हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, जब आपको पता है कि वो हरा ही नहीं सकते? बिहार के आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ के आदमी। नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ अच्छा किया है बिहार के लिए? बिहार के लिए बहुत कुछ अच्छा किया। जैसे मैं एजुकेशन को सुधारा है बिहार। वो कह रहे हैं कि शिक्षा में कहाँ कुछ सुधार हुआ, साइड हो जाइए। जो लोग टीचर होते हैं वो तो स्वेटर बुनते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं है, 8वां का पहाड़ा तक नहीं आता है उन्हें। नहीं ऐसा है, कुछ लोग जो शुरू में था, जो वैकेंसी लाया था वो मुखिया के थ्रू लाया था, बट अभी तो कर दिया बीएड एथी करना, बीपीएससी के थ्रू अब टीचर का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो अब इससे ज्यादा क्या सुधार हो सकता है। और क्या कुछ किया है नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बिजली पानी हर घर पहुँचा रहे हैं, वाटर हर घर जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी है, क्राइम कम किए हैं, और क्राइम कम हो गया है, अभी भी कम है, पहले के अपेक्षा कम है। जैसे दारू बंद किए हुए, ऐसे तो क्राइम कम हुआ। दारू बंद है? दारू ऑफिशियली बंद है, बट जैसे पहले लोग आते थे सड़क पर घूम के
पी के नौटंकी कर रहे हैं, वैसे नहीं अभी करते हैं। अभी जो है एक तरह से है कि दारू का राजस्व किसको मिल रहा है? दारू का राजस्व मिल रहा है अल्टीमेटली, अब वो तो ऑफिशियली किसी को नहीं मिल रहा है, बट अब इंटरनली क्या हो रहा है वो तो आप और हम जानते हैं अच्छी तरह से। मतलब नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है? नीतीश कुमार ओवरऑल अच्छा काम किया है और सब कंपेरिजन में। नरेंद्र मोदी से अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे अगर बनते हैं? बनते हैं तो साबित होंगे, बिल्कुल साबित होंगे, ऐसा बात नहीं है। नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं बट और जितना होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए नरेंद्र मोदी को और क्या कुछ करना चाहिए? जैसे ये जो अभी चल रहा है करप्शन हिंदू मुस्लिम को पूरा किए हुए वो सब नहीं करना चाहिए, और सब महंगाई इतना बढ़ गया है जिसको लेकर कंट्रोल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं, और इस जहाँ देखे वहाँ RSS का चलता है उनके साथ काफिला। RSS का काफिला चलता है कि उनके लोग चलते हैं? उनके लोग चलते हैं RSS के साथ में। तो अब कांग्रेस के कोई नेता है तो भैया उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ना चलेंगे? तो मोदी जी तो RSS से थे, तो RSS के लोग चले तो उससे दिक्कत क्या है? वो तो RSS वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, लोगों से जानते हैं नीतीश कुमार अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं कि अगर बनते हैं तो? नीतीश कुमार कोई ना चिन्हे नहीं चाहे चिंता है, अरे बिहार के मुख्यमंत्री है भाई। मुख्यमंत्री ना आलोन नहीं है, क्या है वो? कुछ नहीं खाने जाके। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कोई नहीं क्या अभी बिहार के मुख्यमंत्री कोई नहीं है ना, क्या बात कर, सुशासन बाबू है वो भाई। मेरे सुशासन बाबू क्या करियो, सारा बंदी है वो, क्या सारा बंदी करियो, उनको घरे पहुंची चाला पे, उनके घरे पहुंच जाए, रोड बिजली पानी पहुंचा दिए वो क्या पहुंचे उनकर घरे पहुंचे। अरे मेरे का तुम पूछत ल। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी बहुत खराब काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे कहे वाला कहे दो, आपकी बीजेपी की सरकार बा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा बोलन, क्या क्या किए हैं? ढेर चीज कहले बोलन, जैसे में कहले, जैसे में क्या क्या किए हैं? अरे का बताओ, कह रहे हैं कि भैया रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गया है। रोजगार मिलत नहीं के काहे मिलत नहीं के, करबो लोग तब ना मिली, घर बैठले मिल जाए मिल जाये। बोला जो लोग सवाल कर रहे हैं वो घर बैठ के रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार किस किस चीज में आ रही है? रोजगार काम से डिपार्टमेंट में आ रहे हैं वैकेंसी, ये तो बताइए। वैकेंसी आएगा? आ नहीं रहा है, आ तो ही रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या बताएं हम? आपको पता है? आपको पता है क्या पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है? आप कह रहे हैं मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, तो बता दीजिए कौन कौन से फील्ड में रोजगार दे रहे हैं। नहीं मालूम है ना। नहीं पता है? नहीं। और क्या कर रहे हैं मोदी जी ये बताइए। मोदी जी ठीक है, बिहार खातिर मोदी जी ठीक है, नीतीश कुमार हटाना है। देश के लिए मोदी जी ठीक नहीं? देश वाली ठीक है। मतलब नीतीश कुमार को हर जगह से हटाना है, देश के लिए मोदी जी ठीक है, क्यों ठीक है ये तो पांच रीजन तो बताइए। नीतीश कुमार सवारी शिकायतें कराओ तो लोन। नीतीश कुमार का बिहार के करियो, जैसे में का क्या कहल जाए सब देखो नहीं न्यूज आदमी पूर्वक बा, बताइए आप। हम क्या बताइए। अच्छा नीतीश कुमार अच्छे नेता नहीं है क्या? अच्छे नेता है। अरे इधर आइए, भाग कहाँ रहे हैं? अच्छे नेता है तो आप भाग क्यों? अच्छे नेता है ये भी बताते जाइए। हम कह रहे हैं क्या काम किए हैं? क्या काम किए? काम किया है जो कि शिक्षक में है, जो कि बाहर है, जो कि अच्छे किए। क्या किए? मैं जॉब दिए शिक्षक को, जॉब दिए। कहाँ दिए? अभी तो वैकेंसी ही आई। तो पहले से 25,000 कितना बार दे दिए, पहले अनपढ़ के दे दिए। वैसे टीचर को दिए जिन्हें एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है, दस्तखत नहीं करते हैं, वो टीचर मैंने बहाल हो गया मुखिया के थ्रू और पंचायत सेवा के थ्रू, घोटाला से बहाल हो गया। ऐसे ही टीचर को बहाल किया है नीतीश कुमार ने? और आप कह रहे हैं अनपढ़ टीचर को बहाल करने से क्या हो जाएगा, राज्य सुधरेगा क्या? तो जो उसका अच्छी में आता है जो उसी को न देगा। अब जो सर्टिफिकेट लेकर आता है उसी को न मिलेगा।